नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाफ डे न्यूज। शरद पवार ने कहा मोदी ने दिया था साथ काम करने का प्रस्ताव। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। पवार ने यह बयान एक टेलीविजन चैनल से बातचीत में दिया है। पवार के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता सुधीर ने कहा कि पवार एक बड़े नेता हैं और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों नेताओं के बीच क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन दो वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई किसी बात की इस प्रकार खुलेआम चर्चा करना क्या उचित है? शरद पवार द्वारा कही गई ये बात एक तरफा है, प्रधानमंत्री इस बात का खंडन करेंगे नहीं, इसीलिए ऐसी बात की सार्वजनिक रूप से चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक में भी इस विषय पर कोई चर्चा कभी भी नहीं हुई। आपको बता दें कि एनसीपी ने 2014 में भाजपा की फडणवीस सरकार को शुरू में बाहर से समर्थन दिया था। इस बार भी माना जा रहा था कि शिवसेना की नाराजगी के बाद एनसीपी और भाजपा मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये संभावना तब सच होती दिखाई दी जब एनसीपी विधायक दल के तत्कालीन नेता अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया था। तब भी यही माना जा रहा था कि अजीत पवार ने शरद पवार की इच्छा अनुसार भाजपा से हाथ मिलाया होगा, लेकिन बता दें कि अजीत पवार अकेले पड़ गए और उनके समर्थक सभी विधायक उनके चाचा शरद पवार के साथ जा बैठे। इस कारण अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फडणवीस की सरकार 80 घंटे में गिर गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जब मुझे अजीत के समर्थन की जानकारी मिली तो उद्धव ठाकरे से संपर्क करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। मैंने उनसे कहा कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं इसे दबा दूंगा। जब एनसीपी में सभी को पता चला कि अजीत की कार्रवाई को मेरा समर्थन नहीं है तो जो 5-10 उनके साथ समर्थक गए थे वो भी वापस आ गए। दिल्ली विधानसभा में उठा गंदे पानी की आपूर्ति का मुद्दा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र वंदे मातरम गीत के साथ शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत होते ही विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने गंदे पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और विजेंद्र गुप्ता के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने हंगामा भी किया। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी दूषित पानी पीने को विवश है, जबकि विधानसभा में उनकी चर्चा भी नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा, हमने 3 घंटे पहले विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर इस बाबत पर प्रस्ताव रखने की गुजारिश की थी लेकिन हमें अनुमति नहीं दी गई। अब हम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर इस पर जवाब मांगना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 4 बिलों को रखा जाएगा। इससे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिल 2019, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2019 के अलावा श्रम विभाग और जीएसटी से संबोधित 2 बिल शामिल हैं। पहले 2 विधेयकों के प्रलेखों को दिल्ली कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। विधेयकों को दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा से पेश किए जाने की अनुमति दे दी थी। सत्र में कार्यों के बारे में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के कार्यालय को दिल्ली सरकार ने सूचित भी कर दिया है। हालांकि ये सत्र आगे भी बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि दिल्ली विधानसभा का संभव अंतिम सत्र भी हो सकता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल कहते हैं कि जब तक फरवरी में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक जरूरत पड़ने पर विधानसभा में कभी भी सत्र बुलाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे एसपीजी संशोधन बिल 2019। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में विशेष सुरक्षा समूह विधेयक 2019 का बिल पेश करेंगे। बता दें कि एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को पारित हो गया था। इस बिल में सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री के अलावा किसी भी विशेष व्यक्ति को ये नहीं दिया जाएगा। पीएम पद से हटने के 5 साल बाद उनसे ये भी सुरक्षा हटाई जा सकती है। लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल को पास करवाया गया तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चंद्रशेखर जी की सुरक्षा भी ले ली गई,
कोई कांग्रेस कार्यकर्ता तब कुछ नहीं बोला। नरसिम्हा राव की सुरक्षा चली गई, किसी ने कोई चिंता नहीं दिखाई। आईगे गुजराल की सुरक्षा हत्या की धमकी के बाद ली गई, चिंता किसकी है, देश के नेतृत्व की या एक परिवार की। दौरान कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बिल को पास कराने के दौरान विशेष सुरक्षा समूह कानून में संशोधन को आवश्यक करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा था कि एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक लाने का मकसद एसपीजी को और प्रभावी बनाना और कानून के मूल उद्देश्य को बहाल करना है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी अधिनियम संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखते हुए शाह ने कहा कि एसपीजी का गठन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किया गया था और दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है। चांद की सतह पर मिला विक्रम लैंडर का मलबा, नासा ने दिखाई तस्वीरें। चंद्रमा की सतह पर इस साल सितंबर में घटनाग्रस्त हुए विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोमवार को ढूंढ निकाला है। नासा ने अपने लूनर ऑर्बिटर द्वारा ली गई एक तस्वीर जारी की है जिसमें अंतरिक्षयान से प्रभावित जगह दिखाई पड़ी है। नासा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए अपने लूनर ऑर्बिटर कि चंद्रमा की सतह से ली हुई चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की तस्वीर जारी की है। नासा के दावे के मुताबिक चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का मलबा उसके क्रैश साइट से 750 मीटर दूर मिला है। मलबे के 3 सबसे बड़े टुकड़े 2x2 पिक्सल के हैं। नासा ने रात करीब 1:30 बजे विक्रम लैंडर के साइट की तस्वीरें जारी कर बताया है कि उसके ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर के 3 टुकड़े मिले हैं। इसके साथ ही नासा ने एक बयान जारी कर कहा है कि तस्वीरों में नीले और हरे डॉट्स के माध्यम से विक्रम लैंडर के मलबे वाले क्षेत्र को दिखाया गया है। बता दें कि 7 सितंबर को इसरो द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर लैंडिंग के निर्धारित समय से कुछ समय पहले संपर्क से गायब हो चुका था। नासा ने अपने बयान में कहा है कि उसने 26 सितंबर को क्रैश साइट की एक तस्वीर जारी की थी और लोगों को विक्रम लैंडर के संकेतों की खोज करने के लिए बुलाया था। इसके बाद नासा ने एक व्यक्ति का नाम लेते हुए बताया कि मलबे की एक सकारात्मक पहचान के साथ एलआरओ परियोजना से संपर्क भी करवाया गया था उनके द्वारा। उत्तर पश्चिम से लगभग 750 मीटर की दूरी पर स्थित मलबे की पहचान की गई थी। ये पहले मोजक 1.3 मीटर पिक्सल की घटना की वजह दिखाई गई। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।